जिंगल बलुआ बाजेला, पक्की ताड़ी वाला बुढ़वा झोला लेके भागेला। सर डेविल, सर डेविल, आप बोलो आपको कौन ज्यादा अच्छा लग रहा है, आपको सैंटा अच्छा लग रहा है कि डेविल अच्छा लग रहा है? खाना मैं बनाऊंगी यूजिंग माई टॉप 5 फेवरेट किचन गैजेट और आपके साथ शेयर करूंगी। आज के वीडियो की पहली रेसिपी ऑफ द डे होने वाला है एगनॉग। हम एगनॉग के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि एगनॉग के बिना ना बेसिकली क्रिसमस इज इनकम्प्लीट। इसे बनाने के लिए जिस किचन गैजेट का हम टेस्ट आउट करेंगे वो है अगारो की ये हैंड ब्लेंडर एंड चॉपर। क्या आपने कभी दूध और अंडे का ड्रिंक पिया है? अगर नहीं तो स्वागत है एग नॉग की रेसिपी में। सबसे पहले ना अंडे का जो येलो पोर्शन है उसके अंदर डाला जाता है ग्रैन्यूलेटेड शुगर, मैं लगभग 3-4 चम्मच डाल रही हूँ और अभी इसके विस्क करना है एट हाई स्पीड और इसी के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अगारो की ये हैंड ब्लेंडर विथ चॉपर। क्रीमी और फ्लफी बन चुका है, सो दिस इज ऑल रेडी। इस हैंड ब्लेंडर के साथ यू गेट दिस 900 ml जार जिसके अंदर मैं बना रही हूँ व्हिप्ड क्रीम। इसका लॉक एंड प्रेस ऑपरेशन टेक्निक है और डुअल मोड है, मोड 1 फॉर प्यूरी चॉपिंग एंड मिक्सिंग एंड मोड 2 फॉर ब्लेंडिंग। मैं यहाँ पर मोड 2 को इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी मैं थोड़ी सी नटमेग को क्रश कर लूंगी क्योंकि इट इज अनदर इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर एगनॉग। अभी दूध के अंदर ऐड कर दूंगी व्हिप्ड क्रीम, थोड़ी सी नटमेग और इसको गर्म करके धीरे धीरे दूध को मिक्स कर लूंगी अंडे वाले मिक्सचर के साथ और 2-3 मिनट विस्क करूंगी एंड फिर इसे कुछ देर के लिए बॉयल करूंगी। एंड वंस बॉयल्ड जो अंडा होता है थोड़ा सा सॉलिडिफाई हो जाता है, सो आई एम गोना यूज दिस डिटैचेबल ब्लेंडिंग शाफ्ट जिसके अंदर है स्टेनलेस स्टील ब्लेड विद प्रोटेक्टिव गार्ड। फाइनली मैंने थोड़ी सी वेनिला एसेंस और हल्का सा सिनेमन पाउडर ऐड किया है फॉर दैट फ्लेवर एंड आवर एगनॉग इज ऑल डन। अभी हम इस्तेमाल करेंगे ये ब्लेंडिंग जार एंड वी आर गोना प्रिपेयर ओरियो क्रिसमस केक क्योंकि हमें चाहिए ओरियो की पाउडर और लोग ओरियो को तोड़ के इसके अंदर दे देंगे। ओरियो केक के लिए मैं हैंड ब्लेंडर की मोड 1 को यूज करूंगी जिससे आप चॉपिंग प्यूरी या मिक्सिंग कर सकते हो और आराम से मेरी ओरियो बिस्किट्स बिल्कुल पाउडर हो चुका है। अभी मैं ग्रैन्यूलेटेड शुगर को पाउडर करूंगी और देखो बिल्कुल पाउडर बन चुका है दोनों का दोनों। अभी एक बाउल के अंदर मैं शुगर और पाउडर दोनों को मिक्स करूंगी। इस मोड 1 में ना एक स्पीड रेगुलेटर भी है जिससे आप 1-5 के बीच स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो और इसके अंदर अभी मैं डाल दूंगी थोड़ी सी बेकिंग पाउडर एंड मिक्स इट वेल। अभी थोड़ा थोड़ा करके मैं दूध ऐड करूंगी और हैंड ब्लेंडर के मदद से मैं उस दूध को अच्छे से विस्क कर दूंगी ताकि एक स्मूथ कंसिस्टेंसी वाला बैटर तैयार हो एंड इस बैटर को मैं ऐड कर दूंगी इस केक मोल्ड के अंदर। पर मैंने केक मोल्ड में थोड़ी सी बटर और हल्का सा मैदा डाल दिया है ताकि केक चिपके नहीं वंस इट इज बेक्ड। और हम ना केक को ओवन में अलग से बेक नहीं करेंगे, हम बेक करेंगे मेरी अगारो की इस एयर फ्रायर के अंदर जिसमें बेकिंग भी होता है लाइक अ ओवन। इसमें जो केक बेकिंग की प्रीसेट मेनू है उसको मैंने सिलेक्ट किया है और देखिए बिल्कुल तैयार है 160 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 मिनट के अंदर ये केक बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और देखो गाइस केक इज रेडी, कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, ऑल चॉकलेटी साथ में सॉफ्ट और फ्लफी भी लग रहा है। तो चलिए झट से हम इस केक को कट करते हैं और इसके ऊपर ना हल्का सा मेरा बनाया हुआ व्हिप्ड क्रीम और साथ में थोड़ी सी ओरियो बिस्किट डालते हैं। अभी इसे देख के तो सेंटा क्लॉज को भी भूख लग जाएगा। कैसा लग रहा है हमारा ओरियो केक विथ व्हिप्ड क्रीम, लेट्स गो। वैसे तो मैंने इसे खुद बनाया है और ये देखने में भी बिल्कुल दिलचस्प लग रहा है, जिन्हें में थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है क्योंकि मुझे पता है इसमें अंडा है और दूध है एक साथ। खुशबू लेकिन अच्छा लग रहा है,
बहुत ही अच्छे वेनिला और सिनेमन का खुशबू आ रहा है। ओह माय गॉड, ब्यूटिफुल स्मूथ स्वीट एंड क्रीमी टेक्सचर। बिल्कुल भी लग नहीं रहा है कि इसके अंदर मैंने एक योक दिया है, बिकॉज इट इज टेस्टिंग सो बटरी एंड क्रीमी एट द सेम टाइम। हल्का सा नटमेग और सिनेमन देने के वजह से बहुत अच्छा अरोमा है। मुझे थोड़ा सा स्केप्टिकल लग रहा था कि शायद इसको जब पीने जाएंगे तो नाक में अंडा का बदबू ना आ जाए, पर इसमें थोड़ा सा भी जो अंडा है वो समझ में नहीं आ रहा है। This is so good. थोड़ा सा ओरियो केक में ट्राई मारते हैं क्योंकि ये देखने में ना बहुत अच्छा लग रहा है बॉस। केक बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और स्पंजी है गाइस, और ऊपर में मैंने जो ये व्हिप्ड क्रीम दिया है ना इसके साथ और ये क्रंची ओरियो के साथ बड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा ओरियो लेते हैं, थोड़ा सा केक और हल्का सा व्हिप क्रीम लेते हैं। सो स्वीट, सो सॉफ्ट, सो अमेजिंग, लुकिंग लाइक अ खाओ, क्रिसमस वाला खाओ। मुझ जैसा चिकन खोर इंसान बिना चिकन का क्रिसमस फूड कैसे बना सकते? Oh, no. आपको नहीं लगता ये थोड़ा अतरंगी साउंड करेगा? ऑब्वियसली इसीलिए तो मैं नेक्स्ट बनाने वाली हूँ क्रिसमस स्पेशल रोटेसियर चिकन, मतलब एक नहीं पूरा का पूरा होल चिकन मैं बनाने वाली हूँ। इससे पानी लटक रहा है। रोटेसियर चिकन बनाने के लिए मैं यूज करूंगी मेरी अगारो की ये 1800 वॉट की एयर फ्रायर जिसका कैपेसिटी है 12 लीटर, और आपको मिल जाएगा एक फ्राइंग बास्केट, एक रोटेटिंग बास्केट, दो मेश ट्रे, एक ड्रिप ट्रे भी ताकि गंदा ना हो एयर फ्रायर, और साथ में आपको मिल जाएगी रोटेसरी फॉर्क जिसे इस्तेमाल करके मैं आज चिकन बनाऊंगी। सबसे पहले हम लोग चिकन को प्रेप कर लेंगे। पहले मैंने होल चिकन ले लिया है, इसको मैंने अच्छे से कर्ड से मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैं ऐड कर दूंगी इसमें रेड चिली पाउडर, हल्दी, कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया, और साथ में हल्का सा गरम मसाला, और अभी अब देंगे थोड़ा सा चाट मसाला। मेरे पास घर में ये तंदूरी मसाला है तो मैं ये तंदूरी मसाला भी ऐड कर दूंगी। एक दिस इज तंदूरी मसाला। अभी हम देंगे थोड़ी सी ब्लैक पेपर, फिर थोड़ी सी जिंजर गार्लिक पेस्ट लगा लेनी है पूरी अच्छे से, मतलब चिकन के अंदर भी आपको मसाला डालना है। अभी इस एयर फ्रायर के साथ जो रोटेसियर फोर्क आता है उसी का मैं इस्तेमाल करूंगी और चिकन को अच्छे से रोटेसियर में फिक्स कर दूंगी। इसके साथ जो रिमूवल टूल आता है उसी के मदद से आई एम गोना फिट दिस इन द हीटिंग चेंबर, और बाहर से मैंने थोड़ा ऑयल भी ब्रश कर दिया है। इस एयर फ्रायर में 9 प्रीसेट मेन्यू है, टेम्परेचर बिटवीन 80-200 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने रोटेसियर वाला ऑप्शन को चूज किया है। 360 डिग्री हीट सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी है, प्लस रोटेशन के वजह से इट इवनली कुक्स एंड कुक इट परफेक्टली। आपको बार बार निकाल के शेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसमें रीहीट और डिहाइड्रेट भी कर सकते हो सब्जियां, और बेक तो कर ही सकते हो। आपने देखा मैंने केक बनाया है, सिर्फ चिकन रोस्ट तंदूरी स्टाइल में बिल्कुल तैयार है। वाओ, आप देख सकते हो गाइस कितनी अच्छी तरीके से ये रोस्ट हुआ है। वाओ गाइस, टाइम है तो हरी चटनी बना सकते हो, पर मैंने ये सिरचा लिया है जिसके साथ ये काफी बढ़िया लगता है। फाइनली ट्राई करूंगी रोटेसियर चिकन जिसे मैंने तंदूरी स्टाइल में बनाया है। इट्स स्मेलिंग प्रीटी नाइस। मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं तंदूरी वाला वो मिंट चटनी बनाऊं, नहीं तो मैं बना लेती, लास्ट बार बनाया था। दिस इज टू गुड। बाहर की जो लेयर है ना ब्यूटिफुल तंदूरी फ्लेवर, अंदर में इट्स जूसी, बाहर से हल्का सा क्रिस्प, नाइस। मुझे लगता है अगर मैंने इसमें हल्का सा चारकोल स्टीम करके दे दिया होता देन इट वुड हैव द परफेक्ट स्मोकी फ्लेवर एज वेल। आई एम अ थॉरो फैन ऑफ दिस एयर फ्रायर। मैं ओवन यूज
चिप्स कर लो, एयर फ्राइंग कर लो, केक बना लो, परफेक्टली कुक, इट्स अ रेड क्रिस्पी आउटसाइड एंड द जूसी चिकन इनसाइड। बस घर पे अगर हल्का सा मिंट चटनी होता तो मजा आ जाता। अनफॉर्चुनेटली आज मेरे पास टाइम नहीं था, नहीं तो बना लेती। सिर्फ यही नहीं, मैं बनाऊंगी क्रिसमस स्पेशल चिकन कटलेट भी, जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। ये जिस गैजेट को मैं टेस्ट आउट करूंगी वो है मेरी टॉप 5 गैजेट में अगारो की ये पर्सनल ब्लेंडर। इस ब्लेंडर में 400 वॉट की एक कॉपर मोटर है, साथ में 3 बीपीएफ फ्री जार है, 700 ml, 500 और 300 ml। दो टाइप की ब्लेड है, 1 फॉर ग्राइंडिंग एंड 1 फॉर ब्लेंडिंग। सबसे पहले मैं करूंगी वेट ब्लेंडिंग, जिसके लिए मैंने 300 ml वाली जार लिया है और जिंजर गार्लिक को अच्छे से पेस्ट कर लिया है। इस ब्लेंडर के अलग से कोई ऑन ऑन ऑफ स्विच नहीं है। जार को प्लेस करके ट्विस्ट करो एंड इट विल स्टार्ट वर्किंग। कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले मैं छोटे छोटे बोनलेस चिकन पीसेस को ये ब्लेंडिंग जार के अंदर ऐड कर रही हूँ। मैं ऐड कर दूंगी धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता थोड़ा सा, आधा नींबू का जूस, थोड़ी सी प्याज चॉप्ड। मैंने ऑलरेडी ये पेस्ट बना के रखी थी, आप तो जानते हो ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट। ऐड कर दूंगी एक अंडा, दो ग्रीन चिलीज, थोड़ी सी सॉल्ट एज पर टेस्ट। और जार को रिमूव करते ही ये अपने आप बंद हो जाती है। इसमें ड्राई ग्राइंडिंग भी आप कर सकते हो जैसे स्पाइसेस वगैरह, पर आज क्योंकि मैं कटलेट बनाऊंगी तो वेट ग्राइंडिंग करूंगी। अभी इस जार में मैं ऐड कर दूंगी कुछ ब्रेड की पीसेस, इससे जो मिक्सचर है थोड़ा थिक बनेगा एंड इट विल हेल्प मी टू गिव द कटलेट अ प्रॉपर एंड ऑप्टिमम शेप। अभी मैं मिक्स करूंगी इन ब्रेड क्रम्स एंड देन इन एग मिक्सचर, और दोबारा से ब्रेड क्रम्स एंड फिर एग मिक्सचर, ऐसे मुझे डबल कोट करना है। वैसे इस ब्लेंडर के साथ ना आपको 3 लीड भी मिल जाती है, एक स्टोर करने के लिए और एक सिपर लीड है जिससे आप डायरेक्टली पी सकते हो, एंड ऑल्सो 1 सीव लीड है जिससे आप ड्राई पाउडर मसाला के लिए यूज कर सकते हो। इस ब्लेंडर से आप आराम से स्मूदी भी बना सकते हो, बटर मिल्क बना सकते हो, एनीथिंग ऑफ योर चॉइस। वैसे इस तरफ आप देख सकते हो मैंने कटलेट को बिल्कुल लाल लाल करके फ्राई कर लिया है। बाहर से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लग रहा है बिकॉज ऑफ द ब्रेड क्रम्स एंड होपफुली अंदर में सॉफ्ट रहेगा। तो कटलेट को मैंने प्लेट कर लिया है, साथ में ऐड किया है क्रिसमस स्पेशल मैश पोटैटो, थोड़ी सी प्याज और हल्का सा इंडियन टच विद दिस मस्टर्ड सॉस। तो चलिए इसे खाते हैं और देखते हैं हमारा ये क्रिसमस स्पेशल चिकन कटलेट कैसा बना है। अभी हम ट्राई करेंगे ये चिकन कटलेट, इट लुक्स प्रीटी नाइस। And a little bit mashed potato. आज सुबह से जितना डिश बनाया ना, I think this chicken cutlet is one of the best. इसका जो मैंने बनाया था ना मिक्सचर कटलेट बनाने के लिए, मिंस करके चिकन बिल्कुल, वो मिक्सचर इतना अच्छा फ्लेवरफुल बना है कि द टेस्ट इज कम्प्लीटली इन्फ्यूज विद इन द कटलेट। मैश पोटैटो के साथ बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस नेक्स्ट टाइम जब मैं इसे बनाऊंगी आई विल मेक अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट देन द रेसिपी। चिकन को मैं वैसे मैश नहीं करूंगी, मैं चिकन की जो पीसेस है उसको एकदम फाइन कीमा करूंगी ताकि वो थोड़ा थोड़ा कोर्स रहे, यू नो देयर इज इट्स एंड बिट्स ऑफ चिकन इनटू इट। चलिए नेक्स्ट गैजेट देखते हैं और देखते हैं नेक्स्ट हम क्या बनाने वाले हैं। आज हम शाम में बनाने वाले हैं नेक्स्ट क्रिसमस डिश यूजिंग माय अगारो स्टीमर। ये एक मल्टी कुकर स्टीमर है जिसमें आप बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड बना सकते हो, और आज ना हम बनाएंगे क्रिसमस फूड स्पेगेटी एंड मीटबॉल। 600 वॉट की इस मल्टी कुक केटल में स्टीमर भी है, इसलिए आप चाय कॉफी के साथ अंडा वेजिटेबल या फिर मैगी भी बॉयल करके बना सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर स्पेगेटी बॉयल कर रही हूँ। नीचे है 360 डिग्री डिटैचेबल पावर बेस, साथ में एक ट्रांसपेरेंट लीड, एक बॉयलिंग रैक, एक प्लास्टिक बोल और स्टेनलेस स्टील स्टीमिंग पॉट भी आता है। बॉयल हो चुका है हमारा स्टीमर के अंदर, तो लेट्स स्ट्रेन इट फर्स्ट। इसका इनर पॉट 1.2 लीटर की है और स्टीमर 0.92 लीटर
लीटर की है। और इसी पॉट के अंदर मैं सॉस भी बनाऊंगी। सॉस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने टोमेटो प्यूरी पानी बॉईल किया है, उसमें मैंने मिंस्ड गार्लिक, थोड़ी सी ओरेगानो और साथ में पास्ता पिज्जा सॉस को ऐड किया है। नाउ व्हेन आई एम गोना ब्रिंग इट टू बॉईल, मैं इसमें मीट बॉल डाल दूंगी। मैंने जो कटलेट की मिक्सचर बनाई थी उसी को डीप फ्राई करके मैंने ये मीट बॉल्स बनाया है। एंड वंस इट इज बॉइल्ड, इट इज ऑल डन। इस स्टीमर में एक हीट कंट्रोल नॉब भी है विथ 3 एडजस्टेबल सेटिंग, तो आराम से आप कुछ भी स्टीम या बॉयल करके बना सकते हो, हल्का फुल्का ऐसे सॉस भी बना सकते हो, अच्छे से बन जाती है। तो मेरा तो स्पेगेटी तैयार है। आज का जो लास्ट और फाइनल डिश है जो मैंने बनाया है वो है ये स्पेगेटी और मिड बॉल। अभी भी खत्म नहीं हुआ, एक और आइटम बाकी है जो मैं पीने वाली हूँ और वीडियो को एंड करने वाली हूँ। तो स्टेट परफेक्ट क्रिसमस वाइव, टोमेटो बेस्ड ग्रेवी, लिटिल स्वीट, हल्का सा फ्लेवर है ओरेगानो का, द मिड बॉल इज जूसी, स्पेगेटी के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्रिसमस विदाउट हॉट चॉकलेट इज एब्सोल्युटली इनकम्प्लीट, इसलिए फाइनल डिश आज का हॉट चॉकलेट होने वाला है। दूध को मैं गर्म कर रही हूँ सेम मल्टी कुक केटल में, और इसके लिए ना मैं बना लूंगी पहले चॉकलेट पेस्ट। हर्शीज की इस चॉकलेट पाउडर को मिक्स करूंगी कप में थोड़ी सी गर्म दूध के साथ फॉर अ स्मूथ कंसिस्टेंसी ऑफ पेस्ट, और फिर इसे धीरे धीरे मिला दूंगी दूध में फॉर अ ब्यूटिफुल चॉकलेट मिल्क। आज के जो फाइनल गैजेट मैं शेयर करूंगी अगारो की ये रिचार्जेबल मिनी इलेक्ट्रिकल चॉपर, जिसका कैपेसिटी है 250 मिलीलीटर। इसमें ना रेजर शार्प ब्लेड है और कुछ भी आप चॉप कर सकते हो, बादाम, पिस्ताशियो और मेरे जैसे चॉकलेट भी। मैं इस मिक्सचर को चॉकलेट मिल्क में ऐड कर दूंगी। इस चॉपर में 1200 mAh की लिथियम आयन बैटरी है, तो अप टू 30 टाइम्स यूज कर सकते हो बस 4 घंटा चार्ज करके, एंड इट्स वेरी इजी टू कैरी विथ योर सेल्फ। इसमें BPA फ्री AHA प्लास्टिक बॉडी है, और मेरा जो हॉट चॉकलेट है लगभग तैयार होके आया है। मैंने थोड़ी सी डार्क चॉकलेट ऐड किया है, हल्का सा सिनेमन पाउडर एंड हाफ अ टीस्पून ऑफ वनीला एसेंस फॉर दैट एक्स्ट्रा वनीला टेस्ट, और इट इज लुकिंग सो टेम्प्टिंग। फाइनल क्रिसमस फूड लेके जो मैंने बनाया है यूजिंग द अगारो स्टीमर, और मुझे लगता है ना वो मल्टी कुक केटल और स्टीमर से इतना अच्छा चॉकलेट मिल्क मैं बना पाऊंगी, मैंने तो सोचा नहीं था। तो चलिए सबसे पहले इसमें एक सिप लेते हैं, क्योंकि अच्छा लगा है तो वीडियो को एक थम्स अप जरूर दे देना। नेक्स्ट आपको क्या देखना है जरूर कमेंट करके बताना, और हाँ बहुत ही अच्छे से रहना, टेक केयर। दिस इज सच अ गुड थिंग।